हेलो एंड वेलकम टू एब्सोल्यूट इंडिया न्यूज। पेश है बॉलीवुड की ताजी सुर्खियां। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी ठग सुकेश चंद्रशेखर और बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस का रिश्ता एक बार फिर चर्चाओं का विषय बन गया है। शनिवार को ईडी ने जैकलिन फर्नांडिस की 7.27 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर लिया है। ईडी का कहना है कि ठग सुकेश चंद्रशेखर ने जबरन वसूली के पैसों का इस्तेमाल अभिनेत्री को 5.71 करोड़ रुपए के तोहफे देने के लिए किए थे। इतना ही नहीं, खबरों के मुताबिक कौन मैन ने जैकलिन के परिवार को भी महंगे तोहफे दिए हैं। रोहित ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। रोहित का अपकमिंग प्रोजेक्ट एक बायोपिक है। ये बायोपिक मुंबई के सबसे सम्मानित टॉप पुलिस और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया के अचीवमेंट्स और जर्नी की झलक दिखाएगी। रोहित शेट्टी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर राकेश मारिया सम पिक्चर शेयर करते हुए अपने इस दिलचस्प प्रोजेक्ट का ऐलान किया। डालिए नजर रोहित की इस पोस्ट पर। फिल्म 3 इडियट के बाद आमिर खान और करीना कपूर एक बार फिर एक साथ फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नजर आएंगे। फिल्म का पहला गाना कहानी हाल ही में रिलीज हुआ। फिल्म लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। रिलीज से पहले आमिर खान और करीना कपूर फिल्म का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं। इस फिल्म के प्रमोशन के लिए उन्होंने फेदर चैलेंज किया है। फिल्म की एक्ट्रेस करीना ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर आमिर के साथ अपनी दोस्ती की एक झलक दिखाते हुए एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें दोनों फेदर चैलेंज लेते हुए नजर आ रहे हैं। डालिए नजर आमिर और करीना की इस वीडियो पर। अक्षय खन्ना दृश्यम 2 के हिंदी रिमेक की स्टार कास्ट में शामिल हो गए हैं, जिसमें अजय देवगन और तब्बू लीड रोल में हैं। तब्बू ने ये खुशखबरी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की है और उन्होंने अक्षय के साथ अपनी एक पिक्चर भी शेयर की है, जिसके साथ उन्होंने काफी दिलचस्प कैप्शन लिखा है। डालिए नजर तब्बू की इस पोस्ट पर। अजय देवगन की रनवे 34 और टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। इन फिल्मों को रिलीज हुए एक ही दिन हुआ है और ये फिल्में पायरेसी का शिकार हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्में रिलीज होते ही ऑनलाइन लीक हो गई हैं। कहा जा रहा है कि ये फिल्में वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अब इससे फिल्म मेकर्स को काफी नुकसान होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, सुनील शेट्टी कई महीनों से एक शो होस्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है हॉर्स टेबल, जो कि एक रियलिटी फंडिंग शो है। एज पर रिपोर्ट्स, 3 सीजन कंप्लीट करने के बाद सुनील शेट्टी यंग एस्पिरेंट्स के लिए हॉर्स टेबल जूनियर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट्स के नीति आयोग के तहत होगा। ये शो शार्क टैंक जैसा होगा। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Follow our channel Absolute India News on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube and website.